आखिरकार पाकुड़ एसपी मणिलाल मंडल के जांच उपरांत पाकुड़ के जाने माने मुख्य टिकट परीक्षक अखिलेश चौबे सहित उनके दो रिश्तेदारों पर चौबे की पुत्री के लिखित बयान पर महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। 23 जुलाई को मुख्य टिकट परीक्षक अखिलेश चौबे ने अपनी पत्नी और पुत्री पर जान से मार देने की नीयत से गर्म तेल छिड़कने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया था। चौबे इस समय बोकारो अस्पताल में एडमिट हैं। मामला दर्ज होने के बाद पाकुड़ में यह मामला जंगल में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन चौबे की पुत्री ने भी महिला थाने में अपनी आप बीती लिखकर मामला दर्ज करने की गुहार लगाई थी, किंतु 24 घंटे बीतने पर भी मामला दर्ज नहीं होने के कारण उनकी पुत्री द्वारा एसपी से गुहार लगाई थी। पाकुड़ एसपी मणिलाल मंडल द्वारा घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली गई और उनके निर्देश पर महिला थाने में मुख्य टिकट परीक्षक ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के नेता अखिलेश कुमार चौबे पर गंभीर आरोप के तहत महिला थाने में कांड संख्या 14/2021 भारतीय दंड विधान की धारा 354, 323, 504, 506, 34 के तहत मुख्य अभियुक्त अखिलेश कुमार चौबे, शशिकांत चौबे और हर्षराज चौबे को नामजद अभियुक्त बनाया है। दिए गए आवेदन के अनुसार पुत्री ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि उनके गलत हरकतों की वजह से घर में कहा सुनी होते रहती थी, किंतु वह अपनी करनी से बाज नहीं आते थे। मना करने पर मारपीट किया करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। उस दिन भी वही हुआ था। उनसे बचने के प्रयास में कर रही थी कि वह अपने शरीर के ऊपर हम लोगों को फंसाने की नियत से गर्म तेल उड़ेल लिए और उल्टे ही हम ही लोग पर मामला दर्ज कर दिए। कथित तौर पर इनके साथ दो सदस्य और भी थे। इसके पूर्व पति ने अपनी पत्नी और पुत्री पर जान से मारने की नियत से कथित रूप से उन पर गर्म तेल डालने का आरोप लगाया था, जिसमें चौबे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब उन्होंने नगर थाने में पत्नी और पुत्री के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वैसा किया, हम लोग उस समय बहुत डरे हुए थे, हम बस अपनी जान बचाना चाह रहे थे। मेरे से निवेदन है कि प्लीज हम लोग का साथ दे, क्योंकि उन्होंने मेरे से जान से मारने की कोशिश की। सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके जाने के बाद जब हम लोगों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस के सामने उनके बड़े भाई यानी कि मेरे बड़े पापा वो लोग शशिकांत चौबे हथियार लेके आए मुझे मारने के लिए। मुझे मेरी मम्मी को जान से मारने की धमकी दी। इस चीज का सबूत भी है मेरे पास, आप लोग देख के खुद फैसला करें। उन्होंने बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ गलत तरीके का बर्ताव किया। मैं नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि मैं पिता के इस कारण से नहीं बताना चाह रही थी। मेरा बहुत बदनामी होता है इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत डर गई थी। मैं इसको बचा ली और वो नहीं कुछ कर पाए। वो हथियार लेके मुझे जान से मारने लगे थे, उस समय मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। और वो इल्जाम लगाने के हम लोगों को जो है खुद ही अपने शरीर पे तेल डाल दिए और बोले तुम लोगों को जो है जान फंसा देंगे। पहले भी कई बार उन्होंने मेरे साथ बर्बादी करने की कोशिश की है और मुझे मारने की भी कोशिश की है, मारपीट किया है मेरे साथ बिना बात का। मेरे पास हाथ उठा देते, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने मुझे बहुत मारा था बिना मेरी किसी गलती के। जब मेरी मम्मी नहीं थी घर पे तो मेरे भाई के सामने मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, गलत गलत जगह मार रहे थे, सर बाल पकड़ कर माथा ठोक रहे थे मेरा। और मुझे कहा था उन्होंने कि वो मेरी जिंदगी नर्क बना रहे हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए पाकुड़ से एहसान आलम की रिपोर्ट।